ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक का ना, पांच तरह की कैरेक्टरिस्टिक ड्रा होती है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, सेट टाइप कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इससे आप कंपेयर करेंगे अल्टरनेटर के ऑपरेशन को। ठीक, स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग इसको। फर्स्ट वन इज, पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, इट इज कलर चेंज कर लेते। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको ओसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। किसके किसके बीच में ड्रा होता है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में, स्पीड विल बी कांस्टेंट। ठीक, ड्रॉ कैसे करते हैं इसको, हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है थ्री फेज जो कि स्टार में कनेक्टेड है, से तीन टर्मिनल्स बाहर आते हैं थ्री फेज सप्लाई लेकर के। साथ ही हमारे पास रोटर पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग है जिसको आप रोटेट कराते हैं। फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल डीसी सप्लाई देना है आप, तो पोटेंशियल डिवाइडर यूज करके आप फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल डीसी सप्लाई दे सकते हैं। देखिए अभी सही हो जाएगा थोड़ा। यहां से फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल डीसी सप्लाई दे दिया आपने, और साथ ही फील्ड वाइंडिंग से कनेक्टेड होता है मोटर। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन देते हैं, कनेक्ट करेंगे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर। ठीक, फील्ड वाइंडिंग की करंट को वेरी कराना है। अब क्योंकि करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो यहाँ का इंड्यूस ईएमएफ ही ये वोल्ट मीटर रीड करेगा, इट विल बी नो ड्रॉप। क्लियर, और ये क्या है आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक, ओसीसी कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले लोड इज ओपन सर्किटेड, अगर यहां पे कुछ नहीं लगा ओपन सर्किट है मतलब आर्मेचर करंट विल बी जीरो। ठीक, नाउ रोटर इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कांस्टेंट स्पीड पे आता है देन आईएफ इज वेरीड फ्रॉम जीरो टू रेटेड वैल्यू, फील्ड करंट जो मैक्सिमम फ्लो करा सकते हैं वहां तक आप वेरी कराएंगे। अब ईएफ को या ईजी को प्लॉट करेंगे आईएफ के अगेंस्ट, ऐसा एक टेबल बनता है आईएफ की वैल्यू ईजी, आईएफ जीरो फील्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, आईएफ इज 0.1 समथिंग कुछ आपको वोल्टेज मिलेगा 20, 0.2, 40 लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब जो कोर है वो सैचुरेट होने लगता है, उस समय करंट बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ना बंद, ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसा डीसी जनरेटर का ओसीसी था सेम वैसा ही ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक अल्टरनेटर का भी होता है। कैसा ओसीसी बनेगा,
इट विल बी लाइक, ये है फील करंट और ये है इंड्यूस्ड वोल्टेज। स्टार्टिंग में फील करंट के साथ वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करता है, क्यों? Eg इज इक्वल टू 4.445 f t kW। अब देख सकते हैं फ्लक्स के साथ साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ लीनियरली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हायर फील्ड करंट्स पर जब मशीन सैचुरेट होने लगती है तो ग्राफ ऐसा हो जाता है। सैचुरेट होगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ मिलेगा। जिस पॉइंट पे ये लीनियर प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उसको हम बोलते हैं नी पॉइंट, ठीक है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। और ये जब ओसीसी पे टेंजेंट डाला जाता है तो उस टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, किसी को याद है? टेंजेंट ऑन ओसीसी इज नोन एज एयर गैप लाइन, इसको लिख लीजिए। व्हेन एक ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा क्या? जी जीरो से स्टार्ट होगा। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का बहुत स्मॉल फ्लक्स होता है यहाँ पे। Tangent is drawn to OCC. The tangent line is called air gap line. इस line का use जो है ना, आप जो voltage regulation calculate करते हैं वहां पे होता है, portrait triangle draw करने में। Second one, when alternator is operating under normal condition, the rated voltage is always present above knee point. एक सेकेंड होल्ड करिएगा। तो जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन होता है ना अल्टरनेटर का, तो जो वोल्टेज होता है उसका आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज केप्ट अबव नी पॉइंट। उसे यहां पे रखते हैं हम लोग रेटेड वोल्टेज। ऐसा इसलिए है कि थोड़ा बहुत फील्ड करंट अगर इन केस आपका वेरी करता है तो आउटपुट वोल्टेज पे उसका इफेक्ट ना पड़े। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है। सिग्निफिकेंस इसका कि इसको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए काम करता है। क्लियर? अच्छा, ये जो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग आप लगभग लगभग कर सकते हैं जो रेटेड वोल्टेज है से, इट इज अप टू 125% ऑफ रेटेड वोल्टेज। और इसमें से जैसे जो हम लोग करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं अभी बहुत सारी, इसमें से मेन जो है ना ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं।
ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट फंक्शंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर नहीं, से सर ऊपर कर दीजिए सर, यहाँ पे नहीं सर ये ऊपर का लाइन। हाँ सर, हाँ यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे करके पढ़ेंगे ना। सर हो गया? हो गया। और किसी को नोट करना है क्या? जी सर हम थोड़ा ऊपर का फिर वापस लिख जाएंगे जो अभी लिखा है। बताइए बताइए कहाँ पे रुकना है। अच्छा जी सर, ये पे नोट करिए, बताइए। हो गया सर, उमंग आपके स्क्रीन में आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी लोग को सही चल रहा है, मतलब मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में फिर इसको भी वैसे ही ड्रॉ करते हैं, मैं डायग्राम दोबारा बना दे रहा हूं। हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ड्रॉ होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, अगेन एन इज कांस्टेंट। ये थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, हमारे पास फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे वेरिएबल डीसी सप्लाई, यहाँ टैपिंग से फील्ड करंट को वेरी कराएंगे। अब जस्ट अल्टरनेटर है ना, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करना है। ये शॉर्ट सर्किट इतना आसानी से आप नहीं कर सकते किसी चीज को, इसकी रेटिंग्स होती है। अगर रेटेड वोल्टेज पे वर्क कर रहा है तो इसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता। अभी ये अमीटर कनेक्टेड है करंट को मेजर करने के लिए, यहाँ पे आप कनेक्टेड होगा फील्ड वाइंडिंग, एक मोटर से, इस मोटर से हम लोग कांस्टेंट स्पीड पे फील्ड वाइंडिंग को घुमाएंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्विचेस हैं एस एस एस। सबसे पहले आर्मेचर वाइंडिंग is open circuit, so इसको open रखना है, winding को close नहीं कर सकते आप। Then इसको open रखते हुए machine is rotated at constant speed, machine को constant speed से run करेंगे। जब speed का value constant हो जाएगा या machine की speed constant हो जाएगी उस समय field current, जो field current है is slowly increased। जैसे ही फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे आपको, आपको यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ना,
जैसे ईएमएफ इंड्यूस, अब ये देखिए शॉर्ट सर्किट है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में फेज वोल्टेज है, करंट बहुत ज्यादा होगी, थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ने से, क्योंकि इंपेडेंस बहुत कम है, फील्ड करंट बहुत ज्यादा, सॉरी आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो फील्ड करंट को आप केवल वहीं तक वेरी कराते हैं, स्लोली इंक्रीज, इसी में लिख लीजिए, फील्ड करंट इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू अ वैल्यू व्हेन अ मीटर रीड्स रेटेड वैल्यू। जब अमीटर में या आर्मेचर में रेटेड करंट फ्लो होने लगेगा तो उस समय फील्ड करंट को आप इंक्रीज करना बंद कर देंगे। बहुत कम फील्ड करंट पे ही ये रेटेड आर्मेचर करंट मिल जाती है आपको, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, कोई लोड या इंपेडेंस नहीं है। तो क्योंकि फील्ड करंट बहुत कम है, फील्ड बहुत स्मॉल है, उस पे ही आपको आर्मेचर करंट मिल गया है, इसलिए ये ग्राफ जो है तो उसमें सैचुरेशन का इफेक्ट नहीं आता है। आईए और आईएफ, दिस ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहां पे पॉइंट क्या है कि सिंस रेटेड आर्मेचर करंट, दिस इज आई रेटेड, since rated armature current जो कि ये वैल्यू है is obtained at very small field current, at very small field current, therefore effect of saturation is not present on SCC, short circuit characteristic पे saturation graph पड़ता है। अच्छा, जब short circuit current है ना, लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो करंट जो आर्मेचर में मिलेगी इट विल बी इक्वल टू ईजी अपॉन जेड एस, ठीक। जेड एस की वैल्यू क्या होती है, आर ए प्लस जे एक्सएस। अच्छा, आर ए का इफेक्ट अधिक होता है कि एक्सएस का, सिंस एक्सएस इज वेरी वेरी लार्जर देन आर ए, तो ये जो सर्किट है ना, इस इज हाईली इंडक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जिससे हम लोग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, ड्यू टू मोर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, हाईली लैगिंग कंडीशन पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है ना, एयर गैप फ्लक्स इज लेस या वेरी लेस भी लिख सकते हैं। अब एयर गैप फ्लक्स है बहुत कम है, इसलिए इट्स ऑलवेज अनसैचुरेटेड। Also, power factor is highly lagging. It will be close to ZPF. 90 degree will stay with ZPF. सीधा सीधा क्वेश्चन, एक सेकंड होल्ड करिएगा।
और पर रहिएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे आते हैं, देखिए ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट? ऑप्शंस है लैगिंग, लीडिंग, हाईली लैगिंग, हाईली लीडिंग। क्या ऑप्शन होगा इसका? नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू। आंसर क्या होगा एबीसीडी में से? आप सी, देखिए बोलने मन नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप तो, लेकिन अगर आप आंसर करेंगे तभी बहाना थोड़ा ये एंटरटेनिंग हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन alternator is running at 1500 rpm short circuit current is 25 ampere when the same alternator runs at 1400 rpm the short circuit current will be, fill in the blanks. Options are A, equal to 25 ampere, option B, more than 25 ampere, option C, less than 25 ampere, D, none of these. Okay. इट विल बी ए, लास्ट क्लास में हम लोग देख भी चुके थे। स्पीड का इफेक्ट नहीं पड़ता है करंट पे, इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। सिंस आईएससी इज ईजी अपॉन जेडएस, जेडएस इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप लिख सकते हैं ईजी अपॉन एक्सएस, इट विल बी इक्वल टू 4.445 एफ T into KW upon excess is 2 pi FL. अब frequency और frequency cancel हो जाएगा, मतलब speed से speed cancel होगा और कोई भी value speed पे depend नहीं करती है। For ISC is constant. Same. Third question. Alternator running at 1500 RPM. Short circuit current is
20 एम्पियर एफ. अल्टरनेटर एक्साइटेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10% एट 1400 आरपीएम. फाइंड न्यू शॉर्ट सर्किट करंट. अगेन ऑप्शंस आर ए 20 एम्पियर, बी मोर देन 20 एम्पियर, सी लेस देन 20 एम्पियर, डी नन ऑफ दिस. देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन अभी मशीन आप पढ़ने के बाद एक महीने बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा. कि आप इसको ठीक ठीक से देख लीजिए. आंसर बताया कोई? यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो स्पीड चेंज हुआ है. स्पीड के चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज नॉट रिलेवेंट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं. अब एक्साइटेशन 10% इंक्रीज हुआ, आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं. फील्ड करंट को ही एक्साइटेशन बोलते हैं. फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, इट विल बी मोर देन 20. नाउ ओपन सर्किट करके हमने ड्रॉ कर लिया, शॉर्ट सर्किट करके हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लिया. अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लोड लगा करके. पहले हम लोग लोड लगाएंगे कैसा? कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होता है ये आउटपुट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में क्या क्या कांस्टेंट रहता है. पहले तो स्पीड हमेशा सारे कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड कांस्टेंट है. आर्मेचर करंट विल बी कांस्टेंट cos phi. Will be constant and it's also zero. Pure inductive load या pure capacitive load possible नहीं है. तो approximately inductive, highly inductive या highly capacitive load हम लगा सकते हैं. Zero power factor characteristic draw करने के लिए, zero power factor load लगाने के लिए तीन तरह के load apply हो सकते हैं. ठीक. To obtain ZPF characteristics, any one of the following load can be used. इनमें से कोई load use कर सकते हैं. Inductive load, pure inductor. Second, capacitive load. और कैपेसिटर या हम लगा सकते हैं सिंक्रोनस मोटर. जनरली सिंक्रोनस मोटर को ही यूज किया जाता है. हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर ऐसी मशीन है कि अगर उसके फील्ड करंट को वेरी कराया जाए तो वो लैगिंग और लीडिंग दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म कर सकती है. दोनों तरह का लोड वो शो हो सकता है वहां पे. अगेन डायग्राम हमारा कैसा है? हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग है, यहां से वेरिएबल डीसी सप्लाई,
इससे कनेक्टेड है फील्ड वाइंडिंग से, मोटर इसको घुमाने के लिए, और इसके सर्किट पे वोल्टमीटर भी लगाएंगे और अमीटर भी लगाएंगे। लोड थ्री फेज लोड होगा। सपोज मेरे पास सिंक्रोनस मोटर है या कोई भी इंडक्टिव लोड हम एग्जांपल के लिए ले लेंगे, और ये जो लोड है वो वेरिएबल भी होना चाहिए तभी आप करंट को कांस्टेंट रख पाएंगे। दिस इज वेरिएबल इंडक्टिव लोड जो मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाया है। डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका। ठीक, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए फिर से वही कंडीशन है। पहले तो सबसे पहले लोड इज ओपन सर्किट, देन हम कंसीडर करेंगे स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड पे लेके आएंगे। ठीक, उसके बाद आईएफ फील्ड करंट इज इंक्रीज स्लोली। फील्ड करंट इंक्रीज करना है लेकिन यह करंट कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। सपोज आर्मेचर करंट, रेटेड आर्मेचर करंट सपोज करिए 10 एम्पियर है, तो ये 10 एम्पियर यहाँ फ्लो होना चाहिए। आपने फील्ड करंट को इंक्रीज किया, कुछ वोल्टेज मिला, ठीक, उस वोल्टेज से यहाँ पे 10 एम्पियर मिलना चाहिए। इसके लिए हम इसको वेरी कराते हैं, इसको वेरी कराते हैं और करंट को 10 एम्पियर रखते हैं, उसके बाद ये टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो जैसे ही आप फील्ड करंट को वेरी कराएंगे उससे वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक, आउटपुट वोल्टेज वी को ही आउटपुट वोल्टेज लिख सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज करे होगा तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगी। इन ऑल केसेस आर्मेचर करंट शुड बी कांस्टेंट 10 10 10। 0.2 एम्पियर सपोज करिए फील्ड करंट मिल रहा है आपको 30 वोल्ट, 0.3 पे मिल रहा है 40 वोल्ट, इस तरह से आप फील्ड करंट का वेरिएशन के साथ वोल्टेज के वेरिएशन को प्लॉट करते हैं, बट आर्मेचर करंट कांस्टेंट रहना चाहिए। आप लोग फिजिकली समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डीसी मशीन में भी प्लॉट किया जा चुका है। आपने एक बार यस बोला एक बार नहीं बोला, मैं क्या मानूं उसको? मांग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये बैटरी, इसका वोल्टेज वेरिएबल, यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट किया हुआ है, सपोज रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ठीक, करंट मुझे चाहिए, ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी वेरिएबल है, करंट मुझे चाहिए सपोज 10 एम्पीयर, ठीक। अगर ये वोल्टेज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करिए 1 ओम, अगर ये वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है तो 10 एम्पियर के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? उमंग अपना माइक ऑन करिए प्लीज। जी सर।
हमको अगर 10 एम्पियर यहाँ पे चाहिए तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करके सर्किट सॉल्व करके देखिए ना, यहाँ पे 10 वोल्ट है, एक मिनट सर, इतना टाइम लगेगा क्या? जीरो 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 का मतलब शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट मतलब आउटपुट वोल्टेज कितना? जीरो। ठीक, फिर हमने फील्ड करंट बढ़ाई, वोल्टेज बढ़ गया 20, करंट यहाँ पे 10 एम्पियर रखना है, अभी आर की वैल्यू क्या होगी? 10 1 ओम। अच्छा ठीक, इसी तरह से आप इंक्रीज करते जाते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर 10 से कम होती तो आउटपुट वोल्टेज मिलता ही नहीं आपको। 10 एम्पीयर, 10 वोल्ट पे जो आपका रेजिस्टेंस था वो शॉर्ट सर्किट करना पड़ा था, इसलिए बहुत स्मॉल फील्ड करंट पे रेटेड करंट प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट वोल्टेज जीरो होता है। इसको आप ड्रॉ करेंगे IF के साथ IA को, तो स्मॉलर फील्ड करंट पे, सॉरी IA को नहीं, वोल्टेज स्मॉलर फील्ड करंट पे कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो लोड है ना उसको आपको शॉर्ट सर्किट करके रखना पड़ता है। उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज करती है, मशीन सैचुरेट होने के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। कंपेयर करें तो हमको ओसीसी भी ऐसा ही मिला था। ओसीसी और इसके बीच का जो गैप है, दिस इज ड्रॉप इन इंपीडेंस, दिस इज आईए इनटू ZS। आप देख सकते हैं EG इज इक्वल टू V प्लस IA ZS। पॉइंट ओरिजिन है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं A। तो ZPF करैक्टरिस्टिक में इस फील्ड करंट जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है कि इन अबव करैक्टरिस्टिक्स, तो इसको दिखा दीजिए, ये OCC है और ये ZPFC है, जीरो पावर फैक्टर करैक्टरिस्टिक। इन अबव करैक्टरिस्टिक जो ये OA पॉइंट है ना, OA इंडिकेट्स द मिनिमम फील्ड करंट करंट रिक्वायर्ड टू कंपनसेट सिंक्रोनस इंपीडेंस ड्रॉप, ये टेक्निकली इसका नाम है, इट इज आईए इनटू ZS। इस ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए जो मिनिमम फील्ड करंट चाहिए वो क्या है? ओए। It is also the minimum field current required to produce rated armature current. इस करैक्टरिस्टिक में दिक्कत किसी को?
आप लोग बोलते नहीं है, आगे चले। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटिव। ये जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक जैसा ही है, तो डिफरेंस यहाँ पे है कि वहां पे केवल जीरो पावर फैक्टर लिया गया था, यहाँ पे कोई भी पावर फैक्टर लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ड्रॉ होता है V और IF के बीच में, N इज कांस्टेंट, IA इज कांस्टेंट। एग्जैक्टली प्रोसीजर जो है ना इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ZPFC, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक जैसा ही। अब इसको जब प्लॉट करिए, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कैसा मिला था आपको, ये किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लीनियर इंक्रीज हुआ और उसके बाद जाकर के ऐसा, दिस वाज ZPF लैग। आपको पता है लैगिंग कंडीशन में डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फ्लक्स घटता है, वोल्टेज कम मिलता है। ठीक, दिस वाज टॉप मोस्ट पॉइंट वी रेटेड। अगर आप लैगिंग नहीं देंगे पावर फैक्टर तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट घटेगा, अगर लैगिंग इफेक्ट घटेगा तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट घटेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। सेम कम फील्ड करंट पे ही वोल्टेज मिलने लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा लेकिन जैसे जैसे फील्ड करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वोल्टेज ज्यादा आगे बढ़ेगा। ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको, 0.8 पावर फैक्टर लैग। और कम करेंगे पावर फैक्टर आएंगे या पावर फैक्टर को और इंक्रीज करेंगे तो फिर से और ग्राफ, यूनिटी पावर फैक्टर सबसे ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद फिर आप जो है लीडिंग की तरफ जाते हैं तो लीडिंग में मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, विल बी 0.8 पावर फैक्टर लीड। और बढ़ा देंगे लीडिंग कंडीशन तो ग्राफ फिर ऐसा, इट इज ZPF लीडिंग कंडीशन। जैसे जैसे हम लैगिंग से लीडिंग की तरफ जाते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, इसमें से जो भी पावर फैक्टर आपको लेके ड्रॉ करना है उसको हम उसको लोड कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, ZPF कैरेक्टरिस्टिक। आगे चले, सही, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घटते ही जा रहे हैं, आपको ये मशीन इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है क्या? आप लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉ होता है वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में, अगेन एन इज कांस्टेंट। आर्मेचर करंट के साथ वोल्टेज का वेरिएशन नो लोड से फुल लोड तक इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन।
इसीलिए इसको वोल्टेज रेगुलेशन या केवल रेगुलेशन कर्व भी बोलते हैं। पावर फैक्टर के साथ साथ हम लोग रेगुलेशन देख चुके हैं। ग्राफ कैसा मिला था? इधर लैगिंग, इधर लीडिंग। ग्राफ वाज लाइक यहां से स्टार्ट हुआ था, वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज किया, पावर फैक्टर यहाँ पे भी इंक्रीज किया। दिस इज यूपीएफ या पावर फैक्टर की वैल्यू 1.8, 0.6 ऐसा, 0.8, 0.6 इधर इंक्रीज होता। आप देख भी सकते हैं नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आप इस ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज को, तो वो भी ऐसा ही मिलेगा। आईए के रेस्पेक्ट में वोल्टेज रेगुलेशन या वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, आईए इज इक्वल टू जीरो से इंक्रीज होते हुए आईए इज इक्वल टू आई रेटेड। जीरो पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोज मिल रहा है वी नॉट या ई नॉट, इसको ई नॉट ही बोलते हैं। इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ और आउटपुट वोल्टेज दोनों इक्वल होगा, नॉट इज इक्वल टू बी, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा वोल्टेज, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव मतलब वोल्टेज डिक्रीज करेगा। दिस इज फॉर यूपीएस, अगर लैगिंग है तो ज्यादा डिक्रीज करेगा। दिस इज फॉर यूपीएफ, यूपी पावर फैक्टर इज फॉर 0.8 पावर फैक्टर लैग। अगर लीडिंग कंडीशन में है तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है और आउटपुट वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ से ज्यादा मिलता है, 0.8 पावर फैक्टर लीड। सो इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए हैं। आगे चलें। नो सर। जी, लेकिन नोट करके प्लीज बताइए, बोल के बताइए। चतुरस ये चतुरस एक सर एक स्टेप ना मैंने ना नीचे की है। हाँ हो गया सर। ठीक, बाकी लोग का हो जाएगा तो बताइएगा मुझे हो गया। जितना रिक्वायरमेंट था वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का वो सब हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड्स फॉर फाइंडिंग या कैलकुलेटिंग वोल्टेज regulation in alternator, alternator में no load से लेके full load तक output voltage में या E और V में कितना difference create होता है। voltage का variation नो लोड से फुल लोड तक कितना होता है वो लिखा है। दिस विल बी, दोनों दोनों मशीन में अलग अलग केस होता है। दिस विल बी फॉर सिलिंड्रिकल पोल अल्टरनेटर, फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब लोड लगा दीजिए और वोल्टेज लगा वोल्टमीटर लगा करके मेजरमेंट कर लीजिए। ठीक, तो एक्चुअल में लोड लगा करके वेरी कराना ये सीधे सीधे पॉसिबल नहीं है। इट इज
इकोनॉमिकल ओनली फॉर लो रेटिंग मशीन्स इवन नॉट पॉसिबल फॉर अल्टरनेटर्स, बड़े अल्टरनेटर्स के लिए पॉसिबल नहीं, नॉट फिजिबल फॉर लार्ज अल्टरनेटर्स. अब देखिए आप लोग इंजीनियर हैं इसलिए आप लोग के सिलेबस में छोटा ट्रांसफार्मर, छोटा मोटर, छोटा जनरेटर है ही नहीं. आप लोग को सब बड़ी बड़ी मशीनें ही पड़ती हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड जैसा कोई मेथड होता ही नहीं. सेकेंड विल बी इनडायरेक्ट मेथड. जब तक मेंशन नहीं हो डायरेक्ट मेथड जैसी कोई चीज होती नहीं. इसके लिए चार मेथड्स. फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड. इसको आप ईएमएफ मेथड भी कहते. सेकेंड वन इज एम्पियर टर्न्स मेथड. इसको आप एमएमएफ मेथड भी कहते. थर्ड वन इज ZPF. ये सब कैरेक्टरिस्टिक सही मिलता है मेथड. फोर्थ वन इज ASA मेथड. ये नया नया ऐड हुआ है 10-12 साल पहले. आपके एग्जाम के हिसाब से आपको यही तीन मिलेंगे. जनरली ASA नहीं मिलना चाहिए. इट इज अमेरिका की स्पेलिंग क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड. जैसे आप लोग के यहां में एसोसिएशन होता है ना, उधर में भी एक एसोसिएशन बना करके नया मेथड बना दिया उसको. ये मैं कल आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि इन मेथड्स जो है ना, एक्चुअल इनका जो डेप्थ है या ये मेथड्स को आपको अगर समझना चाहते हैं तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये सिलेबस में नहीं है, मेंशन नहीं है, केवल एलिमेंट्री एनालिसिस ही है, केवल सिलेबस मशीन हुआ है. ये मेथड्स डिस्कस नहीं किए जा सकते इतने कम सिलेबस पे. दूसरा, इससे रिलेटेड कुछ भी आज तक आप लोग के किसी एग्जाम में नहीं आया है, ना एम में ना जेई में. और तीसरा प्रॉब्लम कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं IAS या गेट वगैरह के लिए तो इनका सिग्निफिकेंस है, इसमें से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा. एक एक मेथड में बिना मतलब दो दो घंटे जैसे बर्बाद हो जाएंगे. तो आप बताइए इसको करना है कि नहीं करना है. मेरा सजेशन है कि अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए. आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये हम बता सकते हैं आपको. इसलिए मैंने आज सुबह पेपर भी जो है ग्रुप पे डिस्कस किया था, शेयर किया था. पर्सनली पूछना पड़ेगा. जीरो पावर फैक्टर मेथड बता देते हैं. वही तो प्रॉब्लम है सबसे, तो उसके लिए सब डिस्कस करना पड़ जाएगा. हल्का सा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा ना इसमें. जैसे मैं एक बात बताता हूँ, सिंक्रोनस ईएमएफ मेथड है ना, इसको कैसे करते हैं. आपने ओसीसी बनाया, ठीक, आपने एससीसी बनाया. किसी भी रेटेड वैल्यू पे ओसीसी और एससीसी का बीच का, यहाँ पे वोल्टेज ले लिया, यहाँ पे करंट ले लिया, तो आपको मिल जाएगा क्या, ये वोल्टेज अपॉन करंट विल बी ZS. अब ZS बना किससे है, RA प्लस JXS, और XS है मेनली XL और XA. जब OCC आप बना रहे थे तो उस समय करंट जीरो थी, मतलब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है यहाँ पे.
ठीक, तो इस तरह से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में कंपेयर कर करके, क्लियर। तो इनमें से किसी भी मेथड से एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिल पाता है या कैलकुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कोई भी सर्किट सही से नहीं दिखा सकता, और यही रीजन है क्योंकि इनमें से कोई भी मेथड एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन भी नहीं आता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ, उससे आपका काम हो जाएगा, इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला पॉइंट, नन ऑफ द मेथड, नन ऑफ द अबव मेथड्स प्रोवाइड एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन। सेकेंड, जो ईएमएफ मेथड है ना उससे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो मिलती है वो हमेशा हायर देन एक्चुअल वैल्यू होती है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेटेड इन ईएमएफ मेथड या सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड इज ऑलवेज हायर देन एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन, देयरफॉर दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पेसिमिस्टिक मेथड। थर्ड, इसका अपोजिट जो है नेक्स्ट वाले मेथड में, जो एमएमएफ मेथड है ना, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेटेड इन एमएमएफ मेथड इज ऑलवेज लोअर than actual value of voltage regulation, therefore it is also known as optimistic method. The most निराशावादी मेथड है, जबकि एमएमएफ मेथड में जो कैलकुलेशन होता है ना वो हमेशा लोअर देन एक्चुअल वैल्यू होता है, तो इसको हम ऑप्टिमिस्टिक मेथड कहते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज ZPF मेथड। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है, अल्टरनेटर का एक दो लॉन्ग वाला न्यूमेरिकल कराने, आप पेपर एक बार देख लीजिए अपना, ठीक है सर। कल पेपर डिस्कस कर लेंगे और मैं बता दूंगा कुछ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे आ रहा है। ठीक सर, एटलीस्ट शॉर्ट सर्किट रेशियो वो तो अभी कराना ही है मुझे, वो अलग चीज, और दूसरा शॉर्ट सर्किट रेशियो से स्टेबिलिटी भी आप नहीं करेंगे और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन गवर्नर भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट रेशियो का केवल
डेफिनेशन, फॉर्मूला और सिग्निफिकेंस ही आपको करना है बस। जी दो मिनट का टाइम दीजिए, मैं दो मिनट में कनेक्ट हो रहा हूँ। नोट होके आगे चले। नोट में ही नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया फॉर, ये आपका सिलिंड्रिकल पोल मशीन के लिए था। फॉर साइलेंट पोल मशीन टू रिएक्शन थ्योरी, is used for calculation of voltage regulation. Next. इसमें तीन चीजें बची हुई हैं आपकी, एक तो स्लिप टेस्ट बचा है, एक शॉर्ट सर्किट रेशियो बचा है, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल है पैरेलल ऑपरेशन का, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर बचा है, उसी में है वेरिएशन ऑफ स्पीड, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ एक्साइटेशन। कल आपका ये सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो खत्म हो जाएगा।
इसमें से एक हम लोग अभी कर लेते हैं, बाकी सब कल की क्लास में। सैटरडे को खत्म, मंडे से आपका सीक्वेंस मशीन मोटर शुरू होगा, और दो दिन का टॉपिक है वो भी, वेडनेसडे तक आपका मशीन खत्म। नेक्स्ट हेडिंग इज शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR. It is a constant or a factor for machine which gives, yeah, जिसके बेस पे आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं अल्टरनेटर की। What is short circuit ratio? It is a constant factor for alternator which can describe its various properties. इसकी वैल्यू होती क्या है? शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR is numerically equal to field current required to produce rated voltage. ये मिलता है आपको OCC से, किस करंट पे मैक्सिमम या रेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेटेड करंट। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, सब इसका एनालिसिस करते हैं ये क्या क्या बताएगा आपको। SCR का न्यूमेरिकल वैल्यू है IF1, इसको आप OCC में दिखा सकते हैं। IF या V लिख लीजिए अपॉन IFC, रेटेड वोल्टेज वाला करंट, रेटेड इंपेडेंस वाला करंट। अच्छा, रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड करंट क्या होता है? बेस वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ZS, इंपेडेंस अपॉन ZP, बेस वैल्यू। ये ZS क्या है? इट इज सिंक्रोनस इंपेडेंस, जो कि वैरी करता है फुल रेटेड वोल्टेज या करंट पे, ZS की वैल्यू अलग अलग। नाउ दिस इज बेस वैल्यू ऑफ इंपेडेंस, जो हमने ट्रांसफार्मर में किया था। बेस वैल्यू क्या होता है? V रेटेड अपॉन I रेटेड। इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती, इसको अलग रखिए, वन अपॉन में आएगा ये। दिस इज जेड पर यूनिट, इसकी वैल्यू सिंक्रोनस इंपेडेंस अपॉन बेस इंपेडेंस। आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। यस सर। क्या? नाउ SCR इज शॉर्ट सर्किट रेशियो, इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं ना, तो इस इज इक्वल टू IFV अपॉन IFC एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन अपॉन ZP।
कैरेक्टरिस्टिक के वो वाले कैलकुलेशन हम लोगों ने स्किप किए हैं, आपको डायरेक्ट ये याद करना पड़ेगा इसमें ऊपर टू वन अपॉन सेट किए। ठीक इस एस सी आर इस प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जेड पी यू, जेड पर यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन अपॉन एक्स पर यूनिट, रिएक्टेंस कम। अच्छा रिएक्टेंस कम कब होगा, आर्मेचर रिएक्शन कम कब होगा सर? वो ये रेटेड वोल्टेज और क्या बोलते हैं SCR इक्वल टू रेटेड फील करंट एंड रेटेड वोल्टेज बाय रेटेड करंट इक्वल टू 1 बाय ZPU कैसे हो गया? कैसे वो कैलकुलेशन हम लोगों ने स्किप किए हैं कैरेक्टरिस्टिक में, आप इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए, उतना आपको डीप में नहीं जाना है। देखिए किसी सब्जेक्ट का कोई एंड, सब्जेक्ट का कोई एंड नहीं होता है ना, अभी केवल सिंक्रोनस मशीन को ही अगर जैसे कुछ बुक्स हैं उसके हिसाब, जैसे डेली बुकता है मशीन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने लगा जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, दो तीन महीना तो एक दो महीना तो आपका केवल सिंक्रोनस मशीन चलेगा। अभी इस समय वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको स्किप करना जरूरी था। आगे कभी आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे या कभी आपको ऑफलाइन मिलता है तो हम उसको या मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, ऑनलाइन में इम्पोर्टेंट नहीं है। पर सर वो उल्टा नहीं होगा, रेटेड फिल करंट एंड रेटेड करंट बाय फिल करंट एंड रेटेड वोल्टेज। एक सेकंड क्या लिखा है ऊपर? 1 by ZPU is equal to fill current at rated current by rated voltage. एक सेकंड चेक कीजिए। Fill current required to produce rated voltage. Voltage is proportional to fill current. नहीं वो one. नहीं वो सही है, एक formula सही है। 1 by ZPU वाला। हाँ वो सही है। नहीं नहीं 1 by ZPU वाला। अच्छा ठीक। ये फॉर्मूला सही, ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा इस पहले इफेक्ट देख लीजिए इसका, फॉर्मूला सही है ये। देखिए रिएक्टेंस कब 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 मिलेगा, या आर्मेचर रिएक्शन का एक्स जो है आर्मेचर रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना, एक्स जो है वो आर्मेचर रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। आर्मेचर रिएक्शन कब होगा कम जी, इसकी वैल्यू कम कब होगी, जब मशीन में एयर गैप ज्यादा हो, ये इम्पोर्टेंट है इफेक्ट ऑफ एससीआर। व्हेन एयर गैप इज हाई दैट मींस आर्मेचर रिएक्शन इज लो, दैट मींस एक्सएस जो है इज इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स ए, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सएस की वैल्यू कम हो जाएगी। नाउ पहला पॉइंट, ये कम इफेक्ट था पहले एससीआर, हाई एससीआर होने से एयर गैप ज्यादा होता है, या ज्यादा एयर गैप होने से शॉर्ट सर्किट रेशियो ज्यादा मिलता है। तो अल्टरनेटर में जहाँ बाकी सारी मशीनों में एयर गैप कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, अल्टरनेटर में जानबूझ के एयर गैप ज्यादा रखने की कोशिश की जाती है, काफी गैप होता है स्टेटर रोटर के बीच में। परसेंट रेगुलेशन अगर आप देखें तो प्रोपोर्शनल होता है ZS के, या ये प्रोपोर्शनल होता है XS के, XS घटा रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर वो भी घट जाएगा। ठीक अब क्योंकि वोल्टेज वेरिएशन रिड्यूस हुआ है दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। फोर्थ रेगुलेशन कम होने से रिएक्टेंस का इफेक्ट, एक सेकेंड
रिएक्टेंस घटने से रिएक्टेंस का इफेक्ट भी घट जाता है, मतलब रेजिस्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। रिएक्टेंस का इफेक्ट घटा है इन कंपैरिजन विद रेजिस्टेंस, तो रिएक्टेंस से आपका पावर फैक्टर रिड्यूस होता है, तो आउटपुट पावर फैक्टर इंक्रीजेस, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, वी कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट फॉर अल्टरनेटर, कॉस फाई बढ़ा मतलब आउटपुट पावर भी बढ़ेगा, आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी है, एयर गैप बढ़ने से साइज ऑफ द सिस्टम बढ़ता है और साथ ही कॉस्ट ऑफ मशीन भी बढ़ता है। आगे सिंक्रोनाइजिंग पावर हम लोग पढ़ेंगे मोटर में, अगर ये मशीन मोटर की तरह काम करे, फ्लोटी या फिर फ्लोटिंग कंडीशन में काम करे, तो उस कंडीशन में सिंक्रोनाइजिंग पावर डिफाइन होता है, सिंक्रोनाइजिंग पावर इंक्रीजेस पी, सिंक्रोनाइजिंग पावर जो है इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स। अब इसको समराइज कर लीजिए, कंक्लूजन्स कंक्लूजन क्या क्या है यहाँ पे, पहला एस सी आर इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप, सेकेंड एस सी आर इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर्मेचर रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड एस सी आर is proportional to 1 upon percent regulation, SCR is proportional to stability, fifth SCR is proportional to P out output power, sixth SCR is proportional to size, seven SCR is proportional to cost, eight SCR is proportional to synchronizing power, तो कहीं कहीं PSY से भी दिखाते हैं, ना एक इम्पॉर्टेंट डाटा है इसके रेंज के लिए, इसके बाद हम लोग कल देखेंगे मशीन को, और ये अच्छा पावर कैलकुलेशन आपको है सर्किट में, पावर कैलकुलेशन में करा दूंगा, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ एससीआर, पहला फॉर सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर इट इज 0.6 to 0.9, सेकेंड फॉर सैलियंट पोल अल्टरनेटर इट इज 0.9 to 1.5, फॉर सिंक्रोनस मोटर या इसी को सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर को ही इट इज अराउंड 0.4,
ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा में कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं। ए थ्री फेज अल्टरनेटर with 10 kVA 415 volt per phase has impedance of 0.4 plus j5 ohm. आपको calculate करना है पहला पावर फैक्टर एट विच वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, पावर फैक्टर एट विच वोल्टेज रेगुलेशन इज मैक्सिमम। उसमें भी आप ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिएगा। Use exact analysis. क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर। तो क्या? नो नो सर। करके बताइए। ठीक, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बंद बंद करो क्लास को। गुड नाइट सर। जी सर, ये पूछना था कि टू रिएक्शन कंसेप्ट साइलेंट पोल का, उसको छोड़ रहना सिखाएगा वो साइलेंट पोल वाला? देखिए टू रिएक्शन मैंने केवल पूरे इसमें मशीन में से आपकी जितने भी ट्रांसफार्मर डीसी मशीन इंडक्शन मशीन जितने भी मशीनें पढ़ी हैं आपने, मैंने केवल अल्टरनेटर का मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन स्किप किया है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम में नहीं आता है टू रिएक्शन थ्योरी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्जेक्टिव आता है। ये क्वेश्चंस कभी आते हैं तो बहुत हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं, गेट में कभी क्वेश्चन पूछेगा या आईएएस में भी रेयरली पूछा है। वो थोड़ा टिपिकल है पढ़ाना, ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगेगा, हम स्किप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। ऑनलाइन में दो तीन प्रॉब्लम, पहले तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप फर्ज निभा करके पूरा कम्प्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास में। मुझे समझ में नहीं आ पाता है ना कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया।
वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे कंडीशन में पढ़ाता हूँ, और मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप छोड़ सकते, एग्जाम में नहीं आया। सर जस्ट ऊपर ऊपर से समझाने के कॉन्सेप्ट को ऐसा है नहीं ना, तो आप अभी जैसे उसमें क्वेश्चंस फिर क्रिएट होंगे ना कि आपको ये कैसे हुआ, जैसे आप अभी जैसे हमने बोला ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे हमने वो लिखा कि 1/ZPU तो वो कैसे हुआ, आपने क्वेश्चन किया ना, तो जब मैं वहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो फिर वैसे ही ऊपर ऊपर से नहीं होगा ना, आप जैसे हम कुछ लिखेंगे आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो फिर आपको पूरा समझाना ही पड़ेगा वो। ठीक है सर, ठीक है ना, अगर नहीं होता है तो मैं कल अगर आप लोग सीखना ही चाहते हैं तो ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कल संडे है मेरे पास इतना टाइम है, कल आपकी क्लास नहीं होगी तो मैं ग्रुप पे या इस पे एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे जहाँ पे अभी आप कहेंगे मैं उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, आप आराम से वीडियो देख के समझते रहिए उसको। ठीक है सर, ओके जी।